अखिलेश यादव और मायावती को हराने का बीजेपी का क्या है नया फॉर्मूला, अब इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सुंदर कहता है योगी यहाँ से भागा है। गोरखपुर और फूलपुर में एसपी बीएसपी गठबंधन की इस जीत के जश्न ने बीजेपी के विचारकों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी थी। दलित, यादव और मुस्लिम वोटों का एक साथ आ जाना, इसी गठबंधन की गांठ को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने एक फॉर्मूला निकाला जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए। देखिए, जो जिताने हराने वाला वोट है वो राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, ये जातियां हैं जो जिताने हराने की भूमिका करती हैं और इनको समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 17 जाति के नाम पे अनुसूचित जाति में शामिल कराने के बहाने ये वोट लेती थी, अभी कांग्रेस लेती थी। आज हम 17 जाति नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में लागू जो 27% रिजर्वेशन है उसमें 3 कैटेगरी बनाने की तैयारी हो गई है। चुनाव के 6 महीना पहले इसको हम करने जा रहे हैं। ओबीसी यानी पिछड़ों को अब पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में बांटने का फॉर्मूला बन रहा है। 2001 में भी तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने भी इसी तरह 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की थी। पिछड़ा वर्ग में यादव और अहीर को 5%, अति पिछड़ा में जाट, कुर्मी, लोध और गुर्जर जैसी 8 पिछड़ी जातियों को 9%, अत्यंत पिछड़ा में 70 अति पिछड़ी जातियों को 14% आरक्षण की बात थी। अगर बीजेपी का ये दांव चल गया तो बीजेपी सीधे तौर पर पिछड़ों के वोट बैंक में सेंध लगा देगी जिससे हाथी की साइकिल में पंचर हो जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा और यूपी विधानसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़ी जातियों ने गोलबंद होकर बीजेपी को वोट दिया। दोनों चुनावों में पार्टी की बंपर जीत हुई। खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी आरक्षण के इस फॉर्मूले को हरी झंडी दे दी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।